सलामुअलैकुम पप्पू। हेलो हमजा, क्या हो गया बेटा? शाम से फोन कर रही हूँ, किधर हो तुम? ठीक हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पप्पू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, लेकिन आज घर नहीं आ सकूंगा मैं, तो आप सो जाएं, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। क्या मतलब घर नहीं आ सकते? किधर हो तुम? पप्पू मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? क्या हुआ है हमजा, बताओ कौन सा हॉस्पिटल में आती हूँ, तुम ठीक हो? पप्पू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने आपसे कहा है कि आप परेशान ना हो, मैं घर आके बताऊंगा आपको। फिर पप्पू सोनिया यहाँ पर मौजूद है, मैं उसके साथ हूँ, बस मैं आपको बाकी बातें घर आके बताऊंगा, आप बस परेशान ना हो, ठीक है? फरहान आ गया जुगनू को लेकर? कहाँ है वो, तो मेरे पास दौड़ी चली आती। फरहान नहीं आया जुगनू को लेकर। अदालत ने जुगनू को 3 रोजा पुलिस रिमांड में दे दिया। एक फैसला तुमने खुद किया था, हमने जैसे भी सही लेकिन उसे कबूल किया। अब एक बार तुम हमारी बात मान लो, एक बार तो अपने मां बाप को ट्रस्ट करके देखो बेटे। सुनिए मैं हम मेरी बात प्लीज सोनिया प्लीज मेरी मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी सोनिया, मैं हमजा हूं, मैं मुझे मत मारना प्लीज। सोनिया बोल रहा हूं मुझसे, मुझे मत मारना प्लीज, मुझे मत मारना प्लीज, मेरी बात सुनो, मैं हमजा
चार महीने से ज्यादा हुए हैं, लेकिन हमारी सोनिया की हालत वैसी की वैसी है। लेकिन कभी कभी ठीक भी हो जाती है, आपने शायद गौर नहीं किया। क्या? जब हमजा आता है ना तो बिल्कुल पुरसुकून हो जाती है। वो जो उसकी हर वक्त ख्वाब सता रहने वाली आंखें हैं ना, वो पहले की तरह चमकने लगती हैं। और मैं जो खुद को ज़माना शनास कहती थी, अपनी बच्ची के सामने मेरी सोच कितनी सतही निकली आसिफ। हमजा जैसे वे लॉस इंसान को मैं पहचान ही नहीं सकी। मैंने कितना जुल्म कर दिया सोनिया के साथ आसिफ, मैंने कितना जुल्म कर दिया अपनी बच्ची के साथ, अब सब के साथ, कैसा। ये सब मामला ठीक हो सकते हैं बशर्ते के आप ये तय कर लें कि ये गलती दोबारा आपसे कभी सरदर्द नहीं होगी। ये डिसाइड किया है मैंने कि अब किसी और को नहीं, खुद को बदलूंगी मैं। कहते हैं ना कि जब तक आपके इर्द गिर्द के लोग, आपकी फैमिली, आपकी आपके बच्चे खुश ना हो, आप खुश नहीं रह सकते। तो मैं कैसे खुश रह सकती थी आसिफ? अपनी बच्चियों को ना खुश करके मैंने ये कैसे सोचा था, कितना गलत सोचा था ना मैंने। ये बात आपको जरा देर से समझ में आई, लेकिन चले शुक्र है समझ आ तो गई।